हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। सो अभी के क्लास में हम मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है, एनटीए। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछते हैं, मैथ्स में भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसमें से आपको कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया गया है, ए, बी और सी। आपको ये तीनों में से चेक करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरी गुड, मीन सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन का ये है कि ना ही इसमें नन ऑफ द अबव आंसर है, ना ही इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है। आपको बेसिकली ए बी सी को सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए को। एट 5% रेट, मतलब इस क्वेश्चन में पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। रेट दिया गया है 5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, राइट? तो हम यहाँ पे ऑप्शन जगह छोड़ देते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। सर्टेन सम विल डबल, मींस ये आपका डबल वाला क्वेश्चन है, डबलिंग का जो क्वेश्चन होता है वो। तो हम यहाँ पे डबलिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 100/r%, विच इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दैट विल बी इन 15 ईयर्स, मतलब टाइम भी ऑलरेडी आपको दिया गया है कि एज पर एनटीए आपका टाइम अगर 15 ईयर्स आता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, और अगर आपका टाइम 15 नहीं आता है दैट मींस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे हम, 100 के जगह 100 लिखा, रेट के जगह 5 लिखा, 5 टू टाइम 0 टाइम, दैट मींस हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपका 15 नहीं आ रहा है, आपका 20 आ रहा है, दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दैट मींस ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्टेटमेंट नंबर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है, अ सम बिकम डबल, ठीक है, इन 10 ईयर। टाइम कितना दिया है इसमें आपका, टाइम दे दिया गया है 10 ईयर, तो टाइम लिख दे रही हूं एज पर एनटीए, यहाँ पे 10 ईयर होना चाहिए। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12%, यहाँ पे भी आपको रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, 12% दिया गया है। अब सेम इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, 100/12, 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 3 6, एंड यहाँ पे 2 5, मतलब अगर हम इसको डिविजन मेथड से भी सॉल्व करें तो आपका 8 समथिंग करके आंसर आएगा, बट एज पर एनटीए यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए 10। तो हमारा 10 नहीं आके 8 आ रहा है, जिसका मतलब हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। मतलब यहाँ से बी को तो ये पहले ही हट गया, ये भी स्टेटमेंट हट गया, ये भी। अब बेसिकली जैसे कि 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, मतलब करेक्ट आंसर हमारा एक ही बचता है, डी वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये सी। बट हम देखेंगे कि ये सी नंबर कैसे सॉल्व करना है हमें, सो दैट हम मान लो नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछे तो इसको सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए। लिखा ये है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला को बेसिकली यूज करना है, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, आपको इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करना है, ए इक्वल्स टू, मतलब ए का मतलब हुआ अमाउंट, बी का मतलब हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + r इज रेट, एंड n मतलब यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधा हम क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, 1000 विल बिकम, 1000 विल बिकम, मतलब 1000 क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब यहाँ पे आपका 1000 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, बिकम 13331, मतलब आपको देखना है क्या ये 1000 रुपीज आपका 13331 बनेगा कितना टाइम में, कितना ड्यूरेशन में, इन थ्री इयर्स, मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इयर्स कितना दिया है, 3 इयर्स दिया है, नंबर ऑफ ईयर, ड्यूरेशन आपका 3 साल का दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, रेट दिया है 10% per annum, मतलब यहाँ पे आपको रेट दिया गया है 10% per annum। अब सेम टू सेम इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और देखते हैं क्या सही में ये 1000 रुपीज 1331 बनता है 3 साल में या नहीं। तो प्रिंसिपल की जगह हमने अमाउंट लिखा 1000, 1 की जगह 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, एंड यहाँ पे जैसे कि 3 इयर्स है तो यहाँ पे 3 इयर्स लिखा हमने। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या यहाँ आर परसेंट था ना, रेट इक्वल्स टू 10% है, तो 10% को अगर हम 10/100 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 0.01 हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1000 और 1 + 0.01, और यहाँ पे 3 लिखा। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करना इज सो सिंपल, ये भी मैं बता दे रही हूँ, 0.01। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा,
एक मिनट, कुछ रॉन्ग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0.01 नहीं आएगा, बेसिकली 10% है ना, 10/100 करते हैं, दैट मीन्स दो डिजिट के आगे आपका पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.10। ठीक है, 0.10 करेक्ट है, 0.10, ओके, 1/10 दैट मीन्स 0.10। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 तो ऐसे ही हो जाएगा पहले से ही, और 0.10 लिखा, तो दिस इज 1.10 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ 1000 लिखा और यहाँ पे 1.10 लिखा और यहाँ पे 3 का 3 वैल्यू डाल दिया आपने। अब जैसे कि ये क्यूब है, तो क्यूब को सॉल्व करना होगा हमें। देखो, अगर मान लो यहाँ पे आप अटकते हो, तो अभी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्यूब पता है कैसे निकालते हैं, तो दिस इज कमिंग एज 1331, और एज पर द क्वेश्चन 1331 यहाँ पे लिखा, 1331, एंड एज पर द क्वेश्चन हमारा 1331 आना भी चाहिए। तो क्या हमारा ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, एंड एज पर द ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट आंसर जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन मीन्स ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड आपने समझा होगा कैसे हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब आपको इसको सॉल्व करने के बाद लग रहा होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं कुछ डाउट हो डेफिनेटली